नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कैसे आना रहता है। सबसे पहले मैंने पहले बना के रखा है ताकि आप लोगों का समय बचे, ठीक ना। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या तो इसको ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे बायां साइड को हम लोग बोलते हैं एल एच एस और दायां साइड को बोलते हैं हम लोग आर एच एस, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म था लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, आर एच एस का फुल फॉर्म था राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। तो सबसे पहले हम लोग उठाएंगे एल एच एस को, एल एच एस में लिखा हुआ ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ पे अगर स्क्वायर लिखा होता है तो इसका मतलब होता है वो दो बार लिखा गया है, दो बार को ही स्क्वायर के रूप में बदला जाता है। इसी टाइप से ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इस ए प्लस बी कितना है, दो बार। तो हम सटा सटा के कितना बार लिख दिए, दो बार। सटा सटा के का मतलब क्या होता है, इसका गुना के रूप में लिखा जाता है यहाँ पे, या सटा सटा रहता है तो गुना होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले ए है ना, ए हम ए प्लस बी से गुना करेंगे, यहाँ पे किए हैं। फिर बी प्लस बी को उठाएंगे, यहाँ रखेंगे। फिर बी को ए प्लस बी से गुना किए हैं, ठीक ना। अब देखिए ए गुना ए ए स्क्वायर होता है, फिर ए गुना बी ए बी होता है, फिर यहाँ बी गुना ए बी ए हुआ, फिर बी गुना बी बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे बी ए जो आया, बी ए बराबर हम लोग ए बी लिख सकते हैं, यानी ए को ई साइड और बी को ई साइड लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हम बी ए की जगह ए बी यहाँ पे दिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ। ए बी कितना है, दो को, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, दो ए बी, वो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो हमको लाना था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक।